राठौर, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल का अध्यक्ष हूँ, जिले का उपाध्यक्ष हूँ एवं भारतीय जनता पार्टी का भी वरिष्ठ कार्यकर्ता हूँ। मैं इटिया थोक के अंदर जो है अभी 10-15 दिन पहले राजस्व विभाग के द्वारा मनमानी तरीके से यहाँ सीमांकन किया गया और कल यहाँ पासी पुरवा पर बुलडोजर द्वारा कुछ गिराया भी गया। इस संबंध में हमारे व्यापारी काफ़ी हताहत थे कि इटिया थोक के अंदर हम 80 साल से रह रहे हैं मकान बना करके, और इस तरीके से योगी सरकार के राज्य में जो ये मनमानी कर रहे हैं अधिकारी, इनके लिए कुछ कार्रवाई होनी चाहिए। इस संबंध में हम लोगों ने तय किया कि हम अपना बाजार का व्यापार संडे को बंद करके और इसके लिए अपने क्षेत्रीय विधायक से मिल करके इस संबंध में कार्य करेंगे। इस संबंध में हमारे अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल का एक प्रतिनिधि मंडल एवं सैकड़ों व्यापारी यहाँ से क्षेत्रीय विधायक माननीय विनय कुमार द्विवेदी मुन्ना भैया के मठ पर हम लोग आज सुबह 10 बजे गए और वहाँ उनसे वार्ता करने के लिए गए। उनसे वार्ता हुई मेरी, तो उनसे मैंने कहा कि विधायक जी, ये जो है पहले ग्राम सभा में था और ग्राम सभा से जब इसको हस्तांतरित किया गया माननीय विभूषण शरण सिंह के द्वारा, यहाँ सड़क बनवाई गई और नाली टू नाली एक सीमांकन कर दिया गया और उसी सीमांकन को लेकर के व्यापारी ने नाली के बाहर कोई निर्माण नहीं किया, नाली के छोड़ करके ही निर्माण किया और उस निर्माण के बाहर कोई निर्माण नहीं हुआ, बस छोटा मोटा 18 टप्पड़ का ही अतिक्रमण था। लेकिन हमारी जो योगी सरकार है, योगी सरकार के निर्देशों और आदेशों का उल्लंघन करते हुए यहाँ पर जो हमारे ये राजस्व कर्मी थे, जो हमारी सरकार की सभी को धूमिल करने के उद्देश्य से इन्होंने यहाँ मनमानी तरीके से व्यापारियों को बहुत दहशत में डाल दिया, जबकि योगी सरकार का स्पष्ट फरमान है कि किसी गरीब और निरीह पर बुलडोजर नहीं चलेगा और जो लोग रह रहे हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उनको ये घर द्वारिया का स्वीकृति पत्र के तरीके से दिया जाए, कहीं भी कोई नुकसान न हो, कोई भी अगर इसमें दोषी आता है तो उसको बख्शा नहीं जाएगा।